तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको सीएससी का कौन ऐसा सर्विस है जिसपे अच्छा खासा आपको इनकम देखने को मिल जाता है, यानी कि अर्निंग देखने को मिल जाता है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पांच ऐसे सर्विस के बारे में आपको बताएंगे जिसपे आपको अच्छा खासा इनकम देखने को मिल जाता है, 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में आपको इनकम देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएफ पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हमारे पास सीएससी का जो पैन सर्विस होता है, पैन कार्ड, जैसे कि आपको पता होगा कि आप एक पैन कार्ड बनाते हैं तो नॉर्मली एक पैन कार्ड का हमारा जो पेमेंट होता है वो पेमेंट 108 रुपये रहता है। लेकिन अगर आप सीएससी पीएनबी है सीएससी के पेमेंट पैन एजेंट आईडी के थ्रू आप बनाते हैं तो वहां पे आपको 10 रुपये, ये हमारा 9 रुपये 83 पैसे का कमीशन देखना, यानी कि टोटल आप अराउंड मतलब देख सकते हैं 10 रुपये का आपको कैशबैक यानी कि कमीशन आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा बस बुकिंग और टिकट पे होता है उस पे आपको कितना कमीशन देखने को मिल जाता है। सिंपल से बस बुकिंग टिकट के यहाँ पे कुछ करना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे पूरा देखना है, क्योंकि सीएससी के आईडी आप लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में खटक रहा होगा कि हम कितना पैसा इससे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप रेड बस कमीशन देखने रहे तो रेड बस कमीशन से आप किसी प्रकार का बस टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको पीवीटी ऑपरेटर अगर आप बुक करते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे 6.4% का आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। अदर ऑपरेटर बुक करते हैं तो आपको 3.05 पे देखने को मिल जाता है कमीशन। तो ये हमारा बस बुकिंग पे हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कि रिचार्ज सर्विस पे आप कितना कमा सकते हैं, जैसे कि हमारा बिल पेमेंट रिचार्ज था उस पर आप कितना कमा सकते हैं। तो रिचार्ज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 1% से 4% के बीच आपकी कंपनी का फोन रिचार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एयरटेल बीएसएनएल आइडिया, जो भी आप कंपनी का रिचार्ज कर रहे हैं उस पर 1% से 4% आपको कमीशन दिया जाता है। चेंजेस का मतलब यह हो गया कि नॉर्मली आप 199 रुपये की रिचार्ज कर रहे हैं जियो कंपनी या वोडाफोन कंपनी का, तो 1% आपको मतलब मार्जिन दिया जाता है, तो आपको 1 रुपये 9 पैसे का यहाँ पे मार्जिन हो जाता है। अगर आपका 4% का मार्जिन दिया जाता है तो यहाँ पे यही 100 रुपये तक कुछ हुआ मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। तो परसेंटेज का मतलब जितना का आप रिचार्ज कर रहे हैं या जितना आप सर्विस कर रहे हैं उसका जो अमाउंट होता है उस अमाउंट में से आप अपना जो परसेंटेज होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर वाली बात जानते हो गए, ऐसे ही नहीं सी एस सी बी एल ही बन गए हैं। तो चलिए अब हम अगले सर्विस के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो VLE NSP कैंपेन लग रहा है उसमें आप कितना पैसा मार्जिन कर सकते हैं, किसी तो कस्टमर का आपको अकाउंट ओपन करते हैं तो कितना आपको कमीशन देखने को मिलेगा। ये कमीशन का जिक्र हमारा सीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे यानी कि जो हमारा फेसबुक पेज होता है उस पेज पे भी बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रिवार्ड देखने को मिल जाता है VLE। अगर KYC वेरीफाई करते हैं, न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको नॉर्मली अगर 200 अकाउंट ओपन करते हैं या KYC करते हैं तो आपको यहाँ पे एक गोल्ड दिया जाता है, और उसके बाद 150 करते हैं तो आपको यहाँ पे फिलिप्स का होम थिएटर, अगर 100 करते हैं तो यहाँ पे एक स्मार्ट स्पीकर दिया जाता है, 75 आप NSP अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ट्रॉली बैग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको बैग ही और ये जो रिवार्ड है ये नहीं बल्कि आपको 25 रुपये पर मतलब अकाउंट कमीशन दिया जाता है। अगर नॉर्मली आप 2 अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 50 रुपये आपके वैलेट में ट्रांजेक्शन दिया जाता है, तो NSP के थ्रू आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ सर्विस है। नेक्स्ट और सर्विस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं किसी प्रकार का, तो फ्लाइट बुकिंग में आपको डोमेस्टिक में अप्रॉक्स दो मिनिमम 200 से आपको 500 के बीच आपका जो कमीशन होता है वो दिया जाता है। इंटरनेशनल में आपको 200 से 750 के बीच आपका जो फ्लाइट बुकिंग है उसके आपको अर्निंग हो जाता है।
और सिविल स्कोर चेक करने का बात किया जाएगा, अगर आप किसी कस्टमर का सिविल स्कोर चेक करते हैं सीएससी के, तो सीएससी में सिविल स्कोर चेक करने का ऑप्शन आता है, तो उसके थ्रू आप अगर सिविल स्कोर चेक करते हैं तो इस पे भी एक अच्छा खासा अर्निंग दिया जाता है। तो आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, यह हमारा जानकारी सुविधा पोर्टल होता है, यहाँ पे सारे चीज का सर्विस, आपको कितना परसेंट कितना चार्जेज मिल जाता है सिंपल यहाँ पे बताया गया है, तो आप यहाँ पे आकर वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।